Hello everyone, today we are going to discuss the three phase delta connection. Okay, last video में हमने क्या देखा था, हमने star के बारे में देखा था कि relationship क्या होता है उसमें line voltage का, phase voltage का, line current का, phase current का. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि delta connection अगर है तो उस time पर आपके relationship क्या होंगे, line voltage, phase voltage और line current और phase current. तो देखिए, किसी भी topic को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका objective क्या है. ठीक है, तो हम इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा क्या होता है. अगर कोई सर्किट को हम डेल्टा बोल रहे हैं तो डेल्टा क्या होता है, तो देखिए, अगर किसी भी स्टार्टिंग एंड, किसी भी मतलब स्टार्टिंग एंड ऑफ कॉइल, कॉइल के दो टर्मिनल होंगे हमेशा, एक स्टार्टिंग एंड मान सकते हैं, दूसरे को आप फिनिशिंग एंड मान सकते हैं. ठीक है, तो व्हेन द स्टार्टिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द फिनिशिंग एंड ऑफ अनदर कॉइल, देन डेल्टा इज ऑब्टेंड. यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी कॉइल देखिए आप, यहाँ पर इसका फिनिशिंग एंड अगले के स्टार्ट से जुड़ा हुआ है, इसका फिनिशिंग इसके स्टार्ट से जुड़ा हुआ है, और इसका फिनिशिंग इसके स्टार्ट से जुड़ा हुआ है. ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है. नाउ देखिए, द थ्री लाइन कंडक्टर्स आर रन फ्रॉम द थ्री जंक्शंस ऑफ द मेस कॉल्ड द लाइन कंडक्टर्स. इसका क्या मतलब है, तीन जंक्शन है यहाँ पर, देखिए जंक्शन नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक, इनसे जो भी लाइन बाहर तरफ जाएगी, जिससे आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन कंडक्टर्स बोलते हैं इसे. इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन. इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है आपकी लाइन, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है. नाउ अब हम देखेंगे कि लाइन वोल्टेज किसे बोलेंगे, फेज वोल्टेज किसे बोलेंगे, लाइन करंट किसे बोलेंगे, फेज करंट किसे बोलेंगे. ठीक, तो देखिए, किसी भी बैलेंस सिस्टम की बात करें, हमने पिछली बार भी ये पढ़ा था जब हम स्टार की बात कर रहे थे, कि कोई भी बैलेंस सिस्टम है अगर, तो वहां पर थ्री फेज करंट हो या वोल्टेज हो, स्टार में क्या था, हम वोल्टेज की बात कर रहे थे, यहां पे हम करंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी. तीनों करंट जो होंगी क्या होंगी, वो फेज की, वो क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, और जो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम उसका वेक्टर बनाएंगे, तो वो कितना होगा, 120 डिग्री वो क्या होंगे, आपस में डिस्प्लेस्ड होंगे. ठीक, तो देखिए, अगर हम बात करें लाइन वोल्टेज की, लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन जिसे हम कह रहे हैं, लाइन हम कह रहे हैं इसको, ये तीन लाइन है आपके पास, लाइन और लाइन, किसी भी दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज या लाइन वोल्टेज. तो देखिए, अगर हम सी और ए की बात करें, तो वी सी ए इज अ लाइन वोल्टेज, वी ए बी, ए और बी के बीच में जो लाइन होगी, उस लाइन के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है आपका वी ए बी. ठीक है, ऐसे ही सी और ए के बारे में बात करें तो क्या होगा, सी और बी के बारे में बात करें तो बी बी सी क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा. तो देखिए, हमने क्या किया, हमने बी ए बी, वी बी सी, वी सी ए जो लाइन वोल्टेज लिए, उनको हमने इक्वल कैसे किया, VL के लिए. ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबका हम लिख सकते हैं, जहां भी इनको हम डिनोट करेंगे उनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, VL लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द फेज वोल्टेज, मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर कि जो कॉइल यूज कर रहे हैं आप, देखिए यहां पे कॉइल्स हैं, आपके पास तीन कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका फेज वोल्टेज होगा. देखिए, वोल्टेज अक्रॉस द ईच कॉइल या फेज क्या होंगे, फेज वोल्टेज होंगे, उनको हमने डिनोट कैसे किया, देखिए 1 2 3 जो जंक्शंस हैं आपके, वोल्टेज क्या है आपके, V12, V23 और V31. इन्हें हमने क्या कहा, इन्हें हमने कहा फेज वोल्टेज. ठीक है, तो V12, V23 और V31 को अगर हम लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं VPH. ओके, तीनों इक्वल होंगे, भी बैलेंस सिस्टम है. ओके, नाउ व्हाट इज द लाइन करंट, जो कंडक्टर, जो लाइन कंडक्टर में करंट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन करंट कहते हैं. लाइन कंडक्टर्स कहां है आपको बताया था मैंने, ये और ये, इनमें करंट क्या चल रही है, जरा देखिए, IAC, IBA और ICB. ठीक है, इनको हमने कैसे, इसका नाम कैसे लिखा है, देखिए जरा आप इस पॉइंट पर, देखिए आप A पर IA आ रही है और IC जा रही है, तो हमने इसीलिए इसका नाम क्या लिखा, IAC. ठीक, इसका हमने कैसे लिखा, IB आ रही है इस जंक्शन पर 2 पर और IA जा रही है. ठीक है, इट इज इनकमिंग एंड दिस इज आउटगोइंग, तो हमने क्या लिखा इसको, IBA. सेम वे में IC इज इनकमिंग टू द नोड 3 एंड आउटगोइंग कौन करंट है, IB. तो जो इनकमिंग है ICB हमने लिखा इसके लिए, देखिए यहां पर. ठीक है, तो लाइन करंट जो भी हैं उनको हमने इक्वल किया फॉर अ बैलेंस सिस्टम, और इक्वल किसे किया, IL के लिए. ठीक है, IL के बराबर किया हमने उसको. नाउ फेज करंट क्या होंगे, फेज करंट के लिए जानते हैं कि करंट जो भी कॉइल में चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, फेज करंट. उसको हमने डिनोट किससे किया, जरा देखिए, कॉइल इस कॉइल करंट क्या है, देखिए आप IA है, इसमें क्या है, IC है, और इसमें क्या है, IB है. हमने इनको क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, इस डायग्राम का ध्यान रखेंगे आप,
अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे आपका फेजर बदल जाएगा, आपका रिलेशनशिप उसमें डिफरेंट आ जाएगा। ठीक, तो हमने आई ए आई बी एंड आई सी को आई पी एच के इक्वल कर दिया। ठीक, तो यहां तक अभी हमने क्या समझा, हमने समझा कि लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट क्या होती है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ओके, नाउ अगर ये सारे इक्वल मैग्नीट्यूड है किसी भी बैलेंस सिस्टम में, अगर सब कुछ आपका जो मैग्नीट्यूड है आई ए का आई बी का आई सी का ये सारे अगर इक्वल है, ठीक, और वो क्या है डिस्प्लेस है फ्रॉम वन अनदर बाय 120 डिग्री, तो मैंने क्या किया, मैंने आई ए को एज अ रेफरेंस लिया। आई ए को रेफरेंस लेंगे आप, मैग्नीट्यूड क्या है मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर सबका मैंने मैग्नीट्यूड आई बी से रखा है, इसीलिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी आई पी एच। तो आई ए वैल्यू मान लीजिए हमने लिया आई पी एच साइन ओमेगा टी, इसका एंगल क्या होगा अगर इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखें तो आप देखिए इसको सकते हैं हम आई पी एच एंड एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, आई बी का क्या होगा, सब 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है दूसरे से, इट मींस आई बी क्या होगा मैग्नीट्यूड इज आई पी एच एंड एंगल इज माइनस 120 डिग्री। देखिए जो थर्ड करंट है उसको हम -240 भी लिख सकते हैं, इससे 120 और नीचे, या फिर +120 लिखें, दोनों बातें सेम है। इसको हम लिख देते हैं आई पी एच एंगल ऑफ +120 डिग्री। ये हमने लिखा कैसे, इसको हमने लिखने के लिए हमने हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मान लीजिए वो क्या है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी +5। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ सी, यहां से हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, जो वैल्यू होगी, और फाई की एंगल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा आई पी एच, एंगल क्या होगा ओमेगा टी +0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख दिया गया वहां पर। यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा आई पी एच, एंगल क्या होगा फाई का, फाई की वैल्यू क्या आएगी यहां पर -120। यहां पर से देखिए आई पी एच ले सकते हैं हम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज +120 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आपका अभी तक टोटल की डेटा सर्किट होता क्या है, ठीक है, और उनमें जो करेंट्स हैं उनका बिहेवियर कहाँ है, कहाँ वो दिखेंगे फेजर में, इतना हमने अभी यहां पर देख लिया। ओके, सो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें फेज करंट्स की हेल्प से लाइन करंट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी जंक्शन पर केसीएल लगा सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 1। केसीएल क्या होता है आप जानते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो देखिए अगर वन पे हम बात करें तो देखिए इनकमिंग करंट क्या है आपकी आई ए इज द इनकमिंग करंट एंड आई सी एंड आई ए सी आर आउटगोइंग करंट्स। So, IAC +IC. So, अगर इसको हम रीअरेंज करें तो IAC will be equals to IA minus IC. इसको हम ले सकते हैं IAC equals to IA +IC. मीन्स अगर हम आई ए का वेक्टर एडिशन करें विद माइनस आई सी तो हमें क्या मिलता है, लाइन करंट मिलती है आई ए सी। सिमिलरली फॉर जंक्शन 2 एंड 3, सिमिलरली फॉर जंक्शन 2 और 3 के लिए अगर हम केसीएल लिखें तो 2 के लिए आपकी जो करंट आएगी वो आएगी आई बी ए इक्वल्स टू आई बी +IA। ओके, एंड आईसीबी विल बी आईसी +IB।
Let's say this is question number 8, this is 9, and this is 10. Okay? So, आप देखिए यहां पर इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारी करंट्स क्या है आपकी लाइन करंट्स है और राइट हैंड साइड में क्या है सारी करंट्स आपकी फेज करंट्स है. तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो आई ए वेक्टर प्लस माइनस आई सी वेक्टर से हमें क्या मिल रहा है आई ए सी मिल रहा है. इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 मॉड ऑफ आई ए सी mod of IAC will be root of mod of IA square plus mod of minus IC square plus 2 into mod of IA into mod of minus IC into cos of theta. And what is theta here? Theta is angle between IA and minus IC. Okay, same way में आप IBA का magnitude भी निकाल सकते हैं, ICB का भी magnitude निकाल सकते हैं. Let's say this is equation number 11. तो देखिए थीटा निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फेजर डायग्राम में आई ए और माइनस आई सी के बीच क्या एंगल है. ओके, तो इसके आप क्या करेंगे फेजर डायग्राम बनाएंगे. तो देखिए फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 की हेल्प लेंगे. देखिए आई ए कहां हुआ, आई ए विल बी एट 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर हमने उसको रेफरेंस ले रखा है 0 डिग्री. IB कहां होगा, IB होगा आपका -120 डिग्री. -120 डिग्री का मतलब जब भी एंगल माइनस होता है हम किधर जाते हैं क्लॉकवाइज 120 डिग्री, वहां में क्या मिलेगा IB. IC कहां होगा, IC विल बी 120 डिग्री प्लस मींस एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम IA. सो दिस इज IC. नाउ हमें चाहिए क्या, हमने अभी इक्वेशन नंबर 8 में लिखा था कि IAC equals to IA plus minus of IC. ओके, तो बेसिकली हमें IA में ऐड क्या करना है minus IC. तो देखिए minus IC, IC यहाँ है, minus IC कहाँ होगा, इससे 180 डिग्री, means let's say this is minus IC. ओके, हमें क्या करना है, हमें IA वेक्टर को minus IC वेक्टर से ऐड करना है, हमें मिलेगा क्या IAC मिलेगा. ठीक, तो देखिए इसके टिप पर इसके पैरेलल एंड इसके टिप पर इसके पैरेलल इसको जब हम मिलाएंगे वी विल गेट IAC और यही क्या है IL लाइन करंट. ओके, और देखिए ये टोटल एंगल अगर हम बात करें ये टोटल एंगल ये कितना होगा 180 डिग्री. ठीक, तो ये कितना होगा, तो अगर देखें तो ये आएगा आपका 60 डिग्री. एंड जो आपकी लाइन करंट आई है वो कहां आई है 30 डिग्री नीचे. ठीक, इसका मतलब लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रही है. तो देखिए आई ए और माइनस आई सी के बीच का एंगल क्या मिला हमें 60 डिग्री. इसका मतलब थीटा इज व्हाट, This theta is theta equal to 60 degree. Okay? Same way में अगर हम IBC या IBA निकाला जाए, IBA means IBA, तो क्या होगा IB plus minus of IA. ठीक, इसको निकाला जाए, देखिए IA को minus IA बदल दिए, कैसे 180 degrees को पलट दीजिए क्या आएगा माइनस आई ए. ओके, आई बी में इसको आपको ऐड करना है. ठीक, आई बी में अगर आप इसको ऐड करेंगे इसके पैरेलल आइए और यहां से आइए, यहां पे जो लाइन आएगी वो क्या होगी आपकी आई बी ए. सेम वे में अगर हमें आई सी बी निकालना हो, आई सी बी सी आई सी बी, सो आई सी प्लस माइनस ऑफ आई बी. ओके,
देखिए आईसी में क्या ऐड करना है आपको, माइनस आईबी, इसका मतलब इधर चला जाएगा क्या होगा, मान लीजिए माइनस ऑफ आईबी, ओके। एंड आईसी आपको ऐड करना है, इसके पैरेलल जाएंगे और इसके पैरेलल जाएंगे, ये मिलेगा आपको क्या, आईसीबी, ओके। सो देखिए अभी आपने देखा कि फेजर से आपके आई ए और माइनस आई सी के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा इज योर 60 डिग्री, यहां पे आप ले सकते हैं थीटा इज 60 डिग्री, ओके। इसमें सब पुट कर दीजिए तो पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, आई ए सी का मॉड इक्वल्स टू आई ए का मॉड स्क्वायर प्लस आई माइनस आई सी मॉड स्क्वायर प्लस 2 इनटू मॉड आई ए मॉड माइनस आई सी कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये आती है आपकी वैल्यू अभी क्या है, आई ए सी। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से अगर हम लिखें तो ये क्या है, लाइन करंट है, इसलिए लिख सकते हैं कि ये क्या है, आई एल है, इसलिए लिख सकते हैं हम आई पी एच स्क्वायर प्लस, इसके लिए कर सकते हैं आई पी एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस इसकी वैल्यू 1/2 या था अंडर रूट, ओके। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आई एल इक्वल टू रूट 3 आई पी एच। दिस इज व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। Now see, आपको रिलेशनशिप जो मिला है वो क्या मिला कि लाइन करंट इन द केस ऑफ डेल्टा इज रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ओके। स्टार में क्या था, सेम रिलेशनशिप था इसके लिए वोल्टेज के लिए, ओके। अगर हम वोल्टेज रिलेशनशिप देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करें 1 और 3 जंक्शन के बीच में तो वोल्टेज क्या है, V31, ये क्या है, फेज वोल्टेज है, ठीक है। और सेम में देखिए जरा आप सी और ए के बीच में जो लाइन वोल्टेज है वो क्या है, VCA है जो लाइन वोल्टेज है। तो देखें अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टर्मिनल क्या है, सेम है, 1 और 3 और C और A ये सेम है। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर होगा। इसका मतलब कि VCA और V31 क्या है, इक्वल है। जैसे देखिएगा VCA इक्वल्स टू V31, ओके। आप जानते हैं VCA क्या है, हमारा लाइन वोल्टेज है, और V31 क्या है, हमारा फेज वोल्टेज है। इसका मतलब कि इन द केस ऑफ डेल्टा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं, जैसे स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम हुआ करते हैं, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 13। सो यू गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन IL एंड IPH एंड VL एंड VPH, ओके। देखिए हमें लाइन करंट और फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज रिलेशनशिप मिल गया है। अब हम बात करेंगे पावर की। पावर में पहली पावर कौन सी है, लेट्स से एक्टिव पावर, जिसको आप क्या कहते हैं, एवरेज पावर भी बोलते हैं, एवरेज पावर, वो क्या होगी, P इक्वल्स टू 3 V फेज I फेज कॉस ऑफ फाई। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट होगा या किलोवाट, ओके। जैसा स्टार में था बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, पावर तीनों सेम होती है। रिएक्टिव पावर की बात करें, अगर हम रिएक्टिव पावर वो क्या होगी, जो क्यू से डिनोट करते हैं, 3 VPH IPH साइन ऑफ फाइ। इसकी यूनिट क्या होती है, VAR या फिर KVAR। थर्ड वन इज अपरेंट पावर, अपरेंट पावर या इसे क्या कहते हैं, वोल्ट एम्पियर, इसे क्या कहते हैं, वोल्ट एम्पियर, इसको एस से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज, ओके। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, वी ए या फिर
kVA. Okay, so this is all about power. Okay, तो देखिए हमने सारे जो भी रिलेशनशिप थे वो हमने सारे निकाल लिए, IL, IBH का, VL, VBH का, पावर, एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट. इन सबको अगर हम समराइज करें तो देखिए लाइन करंट जो हमें मिली वो सारी क्या है, आपस में 120 डिग्री भी है. ठीक, लाइन करंट जो हमें मिल रही है, आप फेजर देखिए, फेजर में फेज करंट से वो 30 डिग्री लैग कर रही है. ओके, जो हमें लाइन करंट मिली वो क्या है, रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज करंट है, और जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के इक्वल है. ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको आप लाइक करें, चलो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. थैंक यू सो मच, स्टे विद अस.